तो ये मेरे पास एक सूट का फैब्रिक रखा हुआ था, इसका मुझे एक सिंपल सा ड्रेस रेडी करना था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना समर्स में कि कुछ सिंपल सा पहनने का मन होता है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो मैंने अपनी बेटी का, मेरी बेटी को ये सूट बनवाना था, मैंने इस तरीके से बनवाया। इसको बहुत ही सिंपल रखा है। ये इस तरीके से मार्केट में पम पम वाली लेस मिलती है, इसका यूज़ करके मैंने बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरीके से मैंने गले को, जो फैब्रिक बुकरम वाला गला होता है, उसको फैब्रिक पे पहले मैंने अच्छे से स्टिक कर लिया, और उसके बाद इस तरीके से किनारे पर मैंने ये नेक के डिज़ाइन पर ये जो लेस थी मैंने इस तरीके से लगा दी। अब जब हम ये वाले गले को लगाएंगे तो हम उल्टे फैब्रिक पर लगाएंगे, यानी सीधे पर नहीं लगाएंगे, इस पर उल्टे फैब्रिक पर हम इस तरीके से गले का जो डिज़ाइन है उसको हम सीधा रखेंगे और फैब्रिक जो है हमारा वो उल्टे साइड का रखेंगे। और इस तरीके से लगाने के बाद फिर हम आगे की तरफ इसको पलट देंगे, तो हमारा ये गला इस तरीके से आ जाएगा। ये मैंने इसके डिज़ाइन को नीचे जो बॉटम होता है कुर्ते का उसके नीचे की साइड में मैंने इस तरीके से लेस लगा दी। स्लीव्स के ऊपर भी मैंने यही वाली लेस लगाई है, तो बहुत प्यारा सा डिज़ाइन आ रहा था। तो इसके बस चारों तरफ मैंने इस तरीके से जो चाक होते हैं उनको कवर कर दिया और मेरा बहुत ही प्यारा सा एक कुर्ता बनकर रेडी हो गया। तो बहुत सिंपल रखा है, लेकिन इसका जो नेक था ये इस तरीके से मैंने स्लीव्स पर भी डिज़ाइन लगा दिया है और बॉटम पर भी लगा दिया वाइट सलवार के साथ। ये जो था, क्योंकि वैसे तो ये पूरा सूट था लेकिन उसको पूरा नहीं बनवाना था, और ये वाइट सलवार के साथ बहुत ही प्यारा सा एक लुक दे रहा था। दुपट्टा इसका ऐसे ही रखा है। इसके बॉटम के साथ मैंने क्या बनाया है वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो बस एक ये सिंपल सा डिज़ाइन मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।